मॉनेस्ट्री मार्केट जो कि एंट्रेंस में ही आते हैं। ये रहा बोधि वृक्ष जो कि बोध गया से लाके लगाया गया। ये आगे ये दूसरा प्रश्न का ये भी है। प्राइस क्या होगा भैया? 50 स्टॉक में है। हरमानी का और इस तरीके का भी जैकेट है, इस तरीके का ब्लेजर वगैरह भी। ये 650 का है। तरीके का जैकेट्स भी है यहाँ। यहाँ पर आपको ये देखिए ये जारा का है। ये रहा ये भी जारा का ही है। और इस मार्केट की भीड़ आप देख सकते हैं। लंबरगिनी जैकेट प्राइस है ये। काफी मोटी का पफ जैकेट भी है। इसका क्या तरीके का हुडीज भी है। ये इस तरीके का पैंट बता दो। ये 950 का है। हाँ? ये इसमें फर है। अच्छा ये गरम 1450। ये मेरे को इंग्लिश नहीं आता है। नहीं हाफ जैकेट है 1200 के रेंज। ये भी गरम में है। ये लेदर में है। 2200 का है। विस्कोस फैब्रिक। हाँ। क्या कॉटन में क्या पैंट? हाँ, इस तरीके का बूट्स वगैरह भी मिल जाएगा आपको। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ मॉनेस्ट्री मार्केट और आपको अभी मैं पूरी मार्केट की सैर कराती हूँ और किस तरीके का ये मार्केट है, कितना प्राइस है, कितनी बार्गेनिंग होती है यहाँ, यहाँ सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम पहुंच गए कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन। यहाँ से उतर के हमें जाना था मॉनेस्ट्री मार्केट जो कि तिब्बतियन का रिफ्यूजी मार्केट है। अभी चलेंगे हम अंदर की तरफ। ये एंट्रेंस गेट है और उसके बाद ये पूरी गली टाइप में मार्केट है। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे आपको हम पूरी विजिट कराएंगे इस मार्केट। ये है शॉप नंबर 58 जो कि एंट्रेंस में ही आते ही आपको मिल जाएगा। यहाँ भी सारे बुलेन सामान मिल रहे हैं। ये परचेज वगैरह यहाँ मिल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके का यहाँ जैकेट मिलेगा जो कि काफी मोटे में है। अंदर में फर वगैरह भी है। कितने का भैया ये? 1750। कोई डिस्काउंट भी है? अच्छा फिक्स प्राइस है, कोई डिस्काउंट नहीं है। मार्केट घूमने के बाद हम चलेंगे बौद्ध मंदिर जो कि ठीक इस मार्केट के पीछे है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये 1400 के रेंज में है इस तरीके का जैकेट। काफी बढ़िया क्वालिटी है इसकी। और एक ये जैकेट है, इसका प्राइस है आपका 1400 का। ये भी है इसका, ये इस तरीके का स्टफ है। ये का कोट भी है, बहुत खूबसूरत सा कोट है। 2250 का ये लड़के का जैकेट भी है। यहाँ इसका प्राइस है 1750। ये इस तरीके का है, इसका प्राइस है 1750। काफी मोटे स्टॉक में है। का जैकेट भी है, इसका प्राइस है 1500। ये वाला कहाँ है? ये 1500 के रेंज में। अरमानी का इस तरीके का मेंस स्वेटर भी है 1200 के रेंज में। इस तरीके का जैकेट भी है। किस रेंज का ये? ये मार्टेल का 2300 का। ये बढ़िया स्टफ है इसका। ये अंदर इस तरीके का, इस तरीके का भी जैकेट है। ये कितने का होगा? 2100 का होगा। ये 2100 का है। इस तरीके का ब्लेजर वगैरह भी है। ये कितने का होगा भैया? ये 2800 का है। और इस तरीके का ओवरकोट भी है जारा का। 4200 आफ्टर डिस्काउंट।
आफ्टर डिस्काउंट 2800 रुपए। मतलब यहाँ ये 650 का है, 650 का 1900 रुपए का ये लेदर में है, ये 2800 रुपए। यहाँ पर आपको कोट्स ब्लेजर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे इस तरीके का। 9,000 अच्छा हाँ, एम आर पी है इसका 9999, बट ये 2500 का मिलेगा। ये भी ज़ारा का ही है, सारे ओरिजिनल्स होते हैं, कॉपी होता है ना। अच्छा ये कितने का आएगा भैया? 3000 के रेंज में आएगा। काफी बढ़िया स्टफ है इसका। इस मार्केट की भीड़ आप देख सकते हैं, कुछ दुकानों में आपको जीन्स भी मिल जाएंगे। क्या रेंज है इसका? 1100 रुपए का आफ्टर डिस्काउंट। हाँ डिस्काउंट करके है। अच्छा ये कार्गो पैंट भी है जिनके रेंज में। यहाँ आपको जॉगर्स भी मिल जाएंगे, लंबरगिनी जैकेट्स यहाँ ये भी मिल जाएगा। ये किस रेंज में भैया? 1550 आफ्टर डिस्काउंट, नो डिस्काउंट, फिक्स प्राइस है ये 1550 का। ये काफी मोटा स्टफ है इसका। संडे की वजह से इस मार्केट में भीड़ काफी ज्यादा है, पता नहीं ठंड की वजह से भी हो सकती है, बट ज्यादा भीड़ है। कितना? 1250 में इस तरीके का पफ जैकेट भी है। इसका क्या प्राइस होगा? 1650 का इस तरीके का जैकेट से आपको मिल जाए, काफी लाइट वेट में है। इस तरीके का हुडीज भी है, 1200 के रेंज के हैं ये, 1400 रुपए ये इस तरीके का पैंट्स वगैरह भी है आपको। 850 का है, 850 का ये। इस पे रुआ नहीं आएगा, ठीक है? हाँ इस पे रुआ नहीं आता है, रुआ नहीं आएगा, इस पे थोड़ा बहुत आ सकता है। अच्छा हाँ इस पे नहीं आएगा बिल्कुल, इस पे बिल्कुल नहीं आएगा। ये कितना बताया? 850। ये 600 का, ये 600 का है, ये 650 का है, 650 का ये आजकल हो। ये देखिए इसमें फर लगा हुआ है। अच्छा ये गर्म है, हवा जाएगा नहीं। ये देखिए ये जैकेट में इसमें भी फर है। ये कितने का है? ये 850 का, 750 का। अच्छा इनके पास सारा लोअर्स का ही है, अलग अलग रेंज का है पूरा, फिक्स्ड प्राइस है सारा। फिक्स रेट है हमारा, इसमें नेट भरा हुआ है, हवा नहीं जाएगा, बिन जिटर वाला कपड़ा भरा हुआ है इसके अंदर। उसमें होम्स लगे हुए हैं। हाँ जी वो घर है और ये नेट, ये वाला नेट वाला। ये कितने का बताया? ये 600 का है, 600 का। इसमें है ना ये 12 महीना चलेगा, 12 महीना चलेगा, ये गर्मी में पहन भी सकते हो। हाँ जी ये बिंचीटर टाइप का, ये 950 का है। हाँ? ये इसमें फर है। अच्छा ये गर्म है, बिंचीटर वाला कपड़ा है इसके अंदर। अच्छा ठीक है, ये 850 का है, सर्दी के लिए है ना, ये 850 का है, ये इसमें भी बिंचीटर का कपड़ा है। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ अलग अलग रेंज का है। अच्छा शॉप में सब कुछ फिक्स प्राइस है। 1450 का है, 1400 का है, अलग अलग रेंज है, 1050 1150 अलग अलग रेंज है इसके अंदर। अच्छा एक ये दिखाइएगा चेक में, ये वाला। हाँ ये देखिए ये वाला, इसके अंदर क्या लगा हुआ? इसके अंदर ये लगा हुआ है, ये मेरे को इंग्लिश नहीं आता है, नहीं बोल सकते हम इंग्लिश। अरे कोई बात नहीं भैया, ऐसे मैं भोजपुरी है, मैं बिहार का रहने वाला। ये सारे स्वेट शर्ट्स हैं, हाफ जैकेट है 1200 के रेंज का, डेनिम में भी है। MRP 5350 है, बट इसमें हाँ रुको 2360 का पड़ेगा ये। ये भी गर्म में है, 900 का है ना, 950 का ये मेन स्वेटर फुल, ये लेदर में है, 2200 का है। ये क्या, ये क्या है? ये यू है ना, और लेदर भी है, 2200 के रेंज में। ये क्या है? ये यू और विस्कोस फैब्रिक, विस्कोस फैब्रिक, विस्कोस फैब्रिक, यू एंड विस्कोस फैब्रिक। इस तरह के जैकेट्स आपको जो है यहाँ किस रेंज में आएगा? ये 2200 रुपए, ये 2200 के रेंज में। क्या प्राइस होगा इसका? ये 1800 के रेंज में इस तरीके का। ये सर्दी के ही हिसाब का है ना, अंदर ये लगा हुआ। इस तरीके का बूट्स वगैरह भी मिल जाएगा आपको, ये बूट 1000 रुपए के रेंज, 1000 के रेंज में है। ये सब 1000 के रेंज।
और यहाँ 250-300 के रेंज में इस तरीके का स्कार्फ भी मिल रहा था, मफलर, मेंस मफलर। जैसे ये वाला 350 के रेंज में था और ये नीचे वाला 250 के रेंज का था, और 250-250 में इस तरह की वुलन टोपी भी मिल रही थी। 1250 कितने का भैया? मेरे को दे दे मेरे भाई, ये 1750 दीदी, 1750 का। और लास्ट में बता दूं, यहाँ आए कुछ कस्टमर जो कि यहाँ के रेगुलर कस्टमर थे, उन्होंने बताया कि यहाँ के शॉप्स में जहाँ फिक्स रेट भी है वहाँ भी बार्गेनिंग खुल के होती है। तो बार्गेनिंग स्किल अगर आपकी अच्छी है तो यहाँ आकर खुल के बार्गेनिंग कर सकते हैं और इस मार्केट से वुलन प्रोडक्ट्स आप अच्छे दामों में उठा सकते हैं। और जब आप इस मार्केट जाएं तो अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ के मंदिर में भी विजिट कर सकते हैं, बौद्ध मंदिर में। तो चलिए लिए चलते हैं आपको बौद्ध मंदिर। बौद्धिस्ट, हाँ ये देखिए, घुमाइए। इस तरीके से ये घूमता है और ये अंदर कुछ इस तरीके से है। इधर बच्चों के खेलने का पार्क बना हुआ है, सामने टेंपल है, इस तरफ भी पार्क है। तो अभी हम चलेंगे सीधा सामने। ये रहा यहाँ का टेंपल, क्योंकि अंदर प्रेयर वगैरह चल रहा है। यहाँ पर शूज उतार लेना है और ये देखिए कितना सुंदर, ये देखिए प्रेयर हो रहा है। प्रेयर करने का तख्ती, ये डोनेशन बॉक्स है, ये इस तरीके का है। ये देखिए, ये अंदर से कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे कुछ प्रसाद वगैरह लगाए हुए हैं। ये डोनेशन बॉक्स, बच्चे सब प्रेयर्स कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ का प्रेयर होता है। तो हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, बाहर से कुछ इस तरीके से है। ये हमारा एंट्री गेट हो गया, ये दोनों पार्क है और ये इनके कलरफुल झंडे। और ये देखिए इस तरीके से, ये राउंड राउंड इस तरीके से ये घूमेगा। ये मैंने उल्टा घुमा दिया था, ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से घुमाते हुए आगे की तरफ बढ़ना है। बच्चे खेल रहे हैं। ये हम मंदिर के पीछे साइड में आ गए हैं। ये रहा बोधि वृक्ष जो कि बोध गया से लाके लगाया गया है और जिसे जवाहरलाल नेहरू ने लगवाया था। ये पीपल वृक्ष, ये जो होली पीपल का पेड़ है, जैसे ये बोधगया जो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट का टेंपल है, वहाँ जो होली पीपल का पेड़ है, ये उसी पेड़ का प्रोडक्ट है, उसी की मतलब उसी की टहनी को लाके यहाँ लगाया गया था 1963 में, 24 फरवरी 1963 में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तब थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने ये सेक्रेट बोधि ट्री जो है इसको प्लांट किया। ये एक अच्छी चीज है कि आप ये जो दिए देख रहे हैं, ये दरअसल टेंपल्स में आपने देखा होगा लोग जब पूजा करने आते हैं तो दिया जलाते हैं, तो ये भी दिया है और ये भी जो भक्त होते हैं और आते हैं वही दिया जलाते हैं। लेकिन ये मंदिर के अंदर परिसर में इसलिए नहीं जलाया जाता है क्योंकि इससे धुआं होता है, तो एक अच्छी चीज है कि ये बाहर में लोग इस तरह की चीजें जलाते हैं ताकि धुआं बाहर हो अंदर न हो। ये रहा मंदिर और यहाँ पर ये दिए जलाए जाते हैं।
और मनीष्ठी मार्केट में घूमते घूमते अगर भूख लग जाए तो यहाँ आसपास में बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। प्योर वेज तिब्बतियन और लद्दाखी फूड के रेस्टोरेंट काफी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मनीष्ठी मार्केट का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। यहाँ के रेट्स और यहाँ के एरिया को मैंने कवर करने की कोशिश की है इस ब्लॉग में। अगर आज का मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक अच्छे से इंटरेस्टिंग से वीडियो या ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।